सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, जिग्नेश मेवानी जिंदाबाद, जिग्नेश मेवानी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिग्नेश मेवानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुजरात में बहुजनों पर अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो, अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो। साथियों, जैसा आपको मालूम है कि 5 तारीख को बहुजन समाज के एक उदीयमान सितारे पर बनासकांठा के क्षेत्र में गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बर्बरतापूर्ण हमला किया, जिसमें उनके कई साथियों को चोटें आईं और उनकी गाड़ियां वगैरह तोड़ दी गईं। लेकिन सरकार ने अभी तक, या सरकार में या भाजपा सरकार में बैठे हुए जो भी लोग हैं, किसी ने भी अभी तक इस तरह के कार्य की निंदा नहीं की। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार बहुजन समाज के प्रति और उन लोगों के प्रति जो लोग न्याय की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ आंदोलन करते हैं, कितनी संवेदनशील है। यद्यपि आप सब जानते हैं कि लगभग 4 साल होने जा रहे हैं केंद्र की जो सरकार है, किसी भी हालत में देश के आम आदमी की सरकार नहीं कही जा सकती। वो चंद जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उन्हीं की सरकार है, उसके सारे निर्णय सारे कार्य केवल उन्हीं के हक में किए जाने वाले कार्य हैं। जो आम जनता है उससे, उसके दुख दर्द से उसका कोई लेना देना नहीं है। और आज भी जब जिग्नेश जी पर हमला हुआ है तो ये केवल जिग्नेश पर हमला नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज पर और अगर कहा जाए तो इस देश की आम जनता पर और कहा जाए तो देश के संविधान पर हमला है, और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि ये जो किया गया है बर्बरतापूर्ण हमला, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यहाँ से संदेश पहुँचाना चाहते हैं गुजरात सरकार को, भाजपा सरकार को, केंद्र सरकार को, कि अगर उसने ये अन्याय अत्याचार बंद नहीं किया, दोषी और अन्यायी हमलावरों को तुरंत जेल में बंद नहीं किया गया, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो केवल यही नहीं, ये केवल सांकेतिक है, पूरे देश में आंदोलन होगा और बहुत मजबूती के साथ आंदोलन होगा। इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि इसका हम न केवल विरोध करते हैं बल्कि सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत जिग्नेश मेवानी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराए और इस बात की गारंटी दे कि आइंदा उन पर किसी तरह से कोई हमला नहीं होगा, न केवल वो बल्कि आम जनता के इसी तरह की जो भी हमारे साथी हैं, जो उभरते हुए हमारे नेता हैं, बहुजन समाज के जो पिलर हैं, उनमें से किसी के खिलाफ किसी तरह का ये हमला नहीं होगा। अगर होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी पुरजोर निंदा की जाएगी और पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। साथियों, अब हम यहाँ पर, यहाँ से हम गुजरात भवन, गुजरात के गवर्नर को और मुख्यमंत्री को जो हमारा ज्ञापन है उसे देने के लिए हमारे साथी यहाँ जाएंगे और उन्हें देके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उससे पहले मैं साथियों बहुत आपके साथ कुछ नारे बोलना चाहूंगा, प्लीज आप वो नारे मेरे साथ जोर से लगाएं। साथियों, भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय।